मोमेंट कम करो। हेलो गाइस, दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ द सेम चैप्टर इकोनॉमी। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस जो पार्ट टू है उसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम डिस्कस करेंगे। और हम जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये है, यहाँ पर हम दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज इकोनॉमी में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और उनसे बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करने की जरूरत होती है, पर एक साथ एक ही ग्राफ पे हम अगर सारी चीजें डिस्कस करने लग जाएंगे तो वो बड़ा मैसी सा हो जाता है। तो आपको समझने के हिसाब से मैंने दो चीजें ली हैं और लगभग सभी बुक्स में दो चीजों को लेके ग्राफ बना के समझाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिया टैंक और मैंने लिया है वीट, ठीक है। दो तरह की रिक्वायरमेंट जो कि देश के डिफेंस के लिए जरूरी है और एक यहाँ पर बेसिक नीड किसी चीज है। अब ये जो आपको मिडिल लाइन दिख रही है ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन, जहां पर ए बी सी डी ई सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू गुड्स। हमने कॉम्बो बना रखे हैं कि हमें कौन सा कॉम्बो ज्यादा बेटर लगता है। हम ये सोचेंगे कि क्या हो सकता है अगर हम यहाँ पर इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में अगर हम 15 यहाँ पर जो हम टैंक्स हैं ये इनके ये हमने थाउजेंड्स में लिए हैं और वीट जो है वो हमने लाख टन्स में लिया है लाख। अब अगर हम 15,000 टैंक्स प्रोड्यूस करते हैं तो हम वीट का जीरो प्रोडक्शन कर पाएंगे, बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। देखिए मैंने ग्रुप बना के दिखाया, जीरो प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड 15,000 ऑफ टैंक। उसके बाद आप बी पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि 14,000 यहाँ हम टैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम 1,00,000 टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि ये कॉम्बिनेशन है 1,00,000 टन्स ऑफ द वीट एंड 14,000 टैंक। और इसी तरह से डिफरेंट, अब आप 2,000,00,000 टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस करेंगे लेकिन अब यहाँ पर आप सिर्फ 12,000 टैंक प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप वीट का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपको टैंक का प्रोडक्शन घटाना पड़ रहा है। बिकॉज क्या है, रिसोर्स लिमिटेड है। अब अगर रिसोर्स आप यहाँ टैंक से हटा रहे हैं या फिर आप वीट में लगा रहे हैं तो आपको टैंक कम प्रोडक्शन करने पड़ेंगे, अदरवाइज कोई और चारा नहीं है। रिसोर्स लिमिटेड है, या तो आप ये कर लो या ये कर लो या इसका एक कॉम्बिनेशन बना लो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसके ऊपर भी एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन क्या बताती है, सेम ऐसी लाइन है, ये भी एक प्रोडक्शन का लेवल बताती है कि अगर आप यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हो तो जितने रिसोर्सेज आप उनका मैक्सिमम यूज कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप इससे भी ज्यादा प्रोडक्शन करने में सफल हो जाते हो तो इसका मतलब आपके कोई भी रिसोर्सेज आइडल नहीं पड़े, आपने सारा फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज कर लिया, आपने अपने देश के सारे रिसोर्सेज बहुत एफिशिएंटली यूज करे, या फिर टेक्नोलॉजी में कुछ सडन चेंज आया जिसकी वजह से सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो। अब ये जो नीचे वाली लाइन है यहाँ पर देखिए, ये जो है आप अपने मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे से कम पे प्रोडक्शन कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन है। इसका मतलब आप जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, जो कि हम अक्सर देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्री में और आपके जो आप बोलते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पर यही होता है। रिसोर्सेज उनके पास हैं बट टेक्नोलॉजी पुअर है, कैपिटल की जो लैकिंग है उस वजह से अंडर यूटिलाइजेशन होता है। आई होप कि आपको प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज में हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमको एक बैलेंस बनाना है इकोनॉमी में और हमार को सभी तरह की गुड्स बनानी है, लेकिन हम उसके वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो हमारी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर दें। पर एक चीज जो मैं दिमाग में रखनी होगी कि अगर हम एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू करेंगे तो दूसरे का घटना शुरू हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, द मूवमेंट ऑफ पीपी कर्व शो वन गुड कैन बी प्रोड्यूस मोर बाय सेक्रीफाइजिंग अनदर गुड्स। आप एक गुड्स को अगर ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आप जो है दूसरे गुड्स को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इससे हमें पता चलता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करना है, क्या कॉम्बिनेशन हमको बिठाना पड़ेगा रिसोर्सेज का।
यहाँ पर अब हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अच्छे से समझा है, यहाँ पर अब उसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ पीपी कर्व क्या है, क्या प्रॉपर्टीज उसमें अप्लाई हो रही है. फर्स्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, आपने देखा वो नीचे की तरफ जा रहा था और उसका जो स्लोप था मतलब ऊपर से होके वो नीचे की तरफ ढलाव था, तो इसे डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं, जैसे डिमांड कर्व में होता है. और पीपी कर्व जो है वो कॉनकेव टू ओरिजिन है. ये कॉनकेव टू ओरिजिन क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ. ये आप देखिए कि ये जो ये ओरिजिन है, ठीक है, इससे उभरा हुआ पोर्शन है, उधर की तरफ है, इसकी तरफ नहीं है, उधर की तरफ है, तो ये इसको हम बोलते हैं कॉनकेव है, ठीक है, शेप है. वन मिनट, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ अब आपको कॉनकेव का पता चल गया कि पीपी कर्व कॉनकेव टू ओरिजिन है. अब ये कॉनकेवनेस जो है इसकी, इसका रीजन क्या है, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि जब एक चीज को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो रिसोर्सेज में और तब दूसरी चीज का प्रोडक्शन कर पा रहे हो, तो ये जो सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, ये सेक्रीफाइस बढ़ रहा है. कैसे, जैसे आपने 15,000 टैंक किए प्रोडक्ट प्रोड्यूस और उसके बाद आपने उसे 1,000 टैंक को सेक्रीफाइस किया कि वीट प्रोड्यूस करने के लिए हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1,000. लेकिन उसके बाद अगर आपने 1,00,000 टन से वीट को बढ़ा के 2,00,000 टन कर दिया, अब 2,00,000 से आपको जब 3,00,000 पे जाना है तो आपको टैंक 1,000 सेक्रीफाइस नहीं करने पड़ेंगे, उसके बाद वो 2,000 सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं. यानी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो एक रिसोर्सेज को टैंक बनाने में मिल सकती थी, अब वो वीट पे आप ले जा रहे हो तो उसको नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो टैंक बनाने में मिल रही थी, उसको छोड़ के आप वीट में लगा रहे हो, तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो लूज कर रहा है वो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वो बढ़ रही है. अब आपको ज्यादा सेक्रीफाइस करके नेक्स्ट चीज का प्रोडक्शन करना पड़ रहा है और हर बार ज्यादा ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं और इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं. मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज सेम थिंग एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ वन गुड, सेक्रीफाइसिंग यूनिट ऑफ अदर गुड, ये रूल ही हो गया. अब ये जो एमआरटी है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये घट रही है या बढ़ रही है किसी भी केस में, ये आपको एक फॉर्मूले से पता चलेगा. यूनिट ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस, जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो वो कितना है, और मोर यूनिट ऑफ अदर गुड प्रोड्यूस, और जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो कितना अमाउंट है, यानी इसमें कितना आपने सेक्रीफाइस करा, कितना चेंज आया, और जिसमें आप गेन कर रहे हो प्रोडक्शन करने में उसमें कितना चेंज आया. अगर हम देखें कि 1000 टन जो है, 1000 टैंक हमने सेक्रीफाइस किए थे, 15,000 से 14,000 हमने टैंक प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, और हमने जो हमारा गेहूं का उत्पादन था वो जीरो से लेकर 1,00,000 टन तक बढ़ा दिया. तो यहाँ पर भी 1,000 लूज किया, यहाँ 1,00,000 जो है टन प्रोडक्शन शुरू हो गया, 1:1 रेशो हो गई. लेकिन दूसरी बार में आपको 14,000 टैंक से 12,000 टैंक पे आना पड़ा, यानी 2,000 आपने लूज कर दिए. और यहाँ पर जो प्रोडक्शन था वीट का वो एक 1,000 से मतलब कितने पे पहुंचा, 2,000 पे, यानी कि सिर्फ 1,000 टन जो है, 1,00,000 टन प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए आपको 2,000 टैंक्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ा. तो अब जो रेशियो हो गई, ये 2:1 हो गई. आप ये देख रहे हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ रहा है. इसी तरह से आप और रेशियो निकाल सकते हो. नेक्स्ट बेस्ट में क्या हुआ कि आपको, अगर आपको मतलब 3,00,000 टन प्रोडक्शन से 4,00,000 पे जाना पड़ेगा तो आपने और ज्यादा सेक्रीफाइस किया. तो इस तरह से मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा पीपी कर्व कॉनकेव है. और ऐसे में ज्यादा बेनिफिशियल नहीं कि हम इतना ज्यादा सेक्रीफाइस करें, हमें कहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ रहा है और हमारा प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा दूसरे गुड का, तो कहीं ना कहीं ये इतने ज्यादा हम रिसोर्सेज को सब्सटीट्यूशन में यूज नहीं कर सकते. अल्टरनेटिव करना हमें महंगा पड़ रहा है, तो हमें एक पॉइंट पे रुकना पड़ेगा कि इतने तो मुझे टैंक प्रोड्यूस करने और इतने मुझे वीट प्रोड्यूस करने.
तो आप ये चैप्टर आपका लगभग पूरा कवर हो गया और आपको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी निकालना आ गया। अब आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज इकोनॉमी, एक व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, और व्हाई इट इज राइज, ये क्यों शुरू होती है, रीजन क्या है, ठीक है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, जिस इकोनॉमी में आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो बाय द डिमांड एंड सप्लाई को देख के, प्राइस मैकेनिज्म को देख के, वो होती है आपकी मार्केट इकोनॉमी। और जहाँ एक सेंट्रली प्लान अथॉरिटी है और वो डिसीजन लेके प्लान करती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान अथॉरिटी, ऐसी इकोनॉमी। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और भी बता देती हूँ आपको, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है कि आप जो है सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे, एक पर्सन के लेवल पे, एक फर्म के लेवल पे देख रहे हो, छोटे मोटे डिसीजन आपने देखा, सिर्फ दो चीज़ों को हमने डिसाइड किया, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और जब आप बहुत पूरे देश के लेवल पे देखेंगे नेशनल इनकम में क्या हो रहा है और आप देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड में क्या हो रहा है, तो आप मैक्रो में चले जाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स को फेस करेंगे।